रिश्तों के इस माया नगरी में कुछ रिश्ते अटूट निकले, कुछ सही निकले, कुछ झूठ निकले। यानी हम इस लेसन में जबरदस्त तरीके से शुरू करने वाले हैं रिलेशन के बारे में कि आखिरकार। अच्छा एक बात बताइए, देखिए पूरा का पूरा 12th क्लास बहुत इजी है, मैथमेटिक्स तो एकदम मतलब हलवा है, हलवा हलवा समझते हो, मतलब एकदम इजी है, इजी वे में आप मैथमेटिक्स को बाबू कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है बाबू। दुनिया में हर चीज प्रॉमिस पे चलता है ना, तो प्रॉमिस वादे पर चलता है, विश्वास पर चलता है, उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको जबरदस्त तरीका से मेहनत करना है, कुछ रिश्ते को निभाना है। और ये रिश्ता भी कुछ ऐसे ही है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? हर दो व्यक्तियों का जुड़ा हुआ एक संबंध, आपका रिलेशन आपके मम्मी पापा से, आपके भाई बहन से। तो रिश्ता, रिश्ता हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है या दो से अधिक व्यक्तियों के भी बीच होता है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि रिश्ता हमेशा दो सेट के बीच में होता है। सेट क्या होता है आप समझ रहे हैं? सेट देखे होंगे, किसी भी चीज को एक ग्रुप में रख देना सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आम का एक सेट बना रहे हैं, मान लीजिए कि फलों का सेट बना रहे हैं, तो फलों में क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा, लीची आ जाएगा, ऐसा होगा ना जी? ठीक है, उसके बाद से क्या आ सकता है? अनार आ सकता है, उसके बाद क्या आ सकता है? सेब आ सकता है। तो बताइए ये सब क्या है? सभी फल है। आप फल का एक जगह एक बॉक्स में रख दिए तो आप कहेंगे सर ये तो आप फल का एक सेट बना दिए। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का सेट है। और याद रखिएगा रिलेशन भी एक सेट है, यानी कि दो सेट के बीच, दो व्यक्तियों के बीच जो रिलेशन जोड़ा जाता है ना, अब जिस तरह हर तरह का किसी तरीके का रिलेशन जोड़ लीजिए वही हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको इसमें जानना है, फर्स्टली कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग बाबू एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें पढ़ना क्या क्या होता है। अगर ये चीज पता हो जाएगा ना टॉपिक, तो बस वो चैप्टर तो समझो कंप्लीट है। प्रांत पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, सहप्रांत पढ़ना है। बेसिकली हम अब थोड़ा सा पिछले वीडियो में हम आपको आइडिया दे चुके हैं कि एक रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। रिलेशन किसी प्रकार का रिलेशन को रिलेशन कहते हैं, लेकिन जब गलत तरीका से रिलेशन में आप आ जाएंगे तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं, वो अभी फिर से एक बार रिविजन आपका हो जाएगा। ये पढ़ना है, उसके बाद से हमको पढ़ना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है, और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम लोग ए क्रॉस बी भी कहते हैं, मतलब कहते नहीं है, आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी। कहीं सेट ए बनाया रहेगा, कहीं सेट बी बनाया, दो घर बनाया रहेगा, और दोनों में हम लोग ऐसे रिश्ता अगर जोड़ दे रहे तो वही ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, वही एक तरह से उसी में हम लोग को प्रांत भी मिल जाएगा, परिसर भी और सहप्रांत भी, ये सब चीज हमको मिल जाएगा। उसके बाद से ये तीन चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आ जाए बस संबंध एवं फलन कंप्लीट, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रिश्ता को कई तरीका से आप दिखा सकते हैं, वो चीज इसमें हम बताएंगे कि कैसे। आप बताइए हम अगर यहां पे एक व्यक्ति को बनाए, ऐसे एक व्यक्ति को हम ऐसे अगर बना दे, ठीक, फिर यहां पे भी हम एक व्यक्ति को बना रहे। अब ये व्यक्ति है कि क्या है आप खुद बताइएगा। ठीक है, यहां पे ऐसे, और फिर एक यहां पे हम ऐसे बना दें, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे करके हम अगर बना दे रहे हैं, ऐसे अगर हम बना दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार का रिश्ता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है इसको देख के आप कमेंट में जरूर बाबू बताइए। यहां पे क्या है? ये लग रहा है कि ये पिताजी होंगे, ये माताजी होंगे, और इनके ये छोटुआ होगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो देखिए कुछ ऐसे चीज जिसको देख कर ही बता सकते हैं कि नहीं भाई ये माता पिता और लड़का ही हो सकता है। तो जो हम लोग देखते ही बता दे कि ये मम्मी है, अच्छा तुम कभी ये कहोगे कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, और ये लड़का है, ये लड़की है, जो भी, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? हमेशा देख कर ही अगर पता चले कि रिश्ता कैसा है, तो उस रिश्ते को हम लोग कहते हैं विजुअल फॉर्म, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, यानी विजुअल विजुअलाइज कर देख करके बता दे। और कुछ अगर लिख करके बताए कि यहाँ पे लिख देते हैं ये पिताजी हैं, ये लिख रहे हैं माता जी हैं, और ये लिख रहे हैं बेटा जी हैं, तो अगर लिख करके ऐसे हम बता रहे हैं, समझिएगा, इस तरह से अगर लिख करके बता रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लिख करके समझिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी दूर का रिश्तेदारी होता है। जैसे एक रिश्ता और बता रहे हैं हम आपको, गौर से सुनिएगा ध्यान से बाबू, कैसे हम आपको बोले कि हमको अपने पापा के ससुराल जाना है। लो भाई कितना घुमा फिरा के बोल रहे, यानी कि हम, या फिर हम बोले हम अपने मम्मी के
मायके जाना चाहते हैं, या अपने मौसी के मायके जाना चाहते हैं। मायके का मतलब उनका जो भी मतलब घर होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, सीधा सीधा बोलना कि अपने मामा के घर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो घुमा फिरा के बोला जाता है, थोड़ा सा टॉफ करके रिश्ता जोड़ा जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर। ये हम जब बताएंगे तो आपको डीपली समझ में आएगा। टेम्पोरली हम आइडिया दे रहे हैं, जब देख के डायरेक्ट पता चले तो विजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है। लिख करके ऐसे बता रहे हैं टोटल ऐसे कि यही पिताजी हैं, समझ लो, यही माताजी हैं, यही बेटा जी हैं, तो ये हो जाएगा रोस्टर। और घुमा फिरा के जो थोड़ा सा कम समझ में आए उसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी पहले दिमाग लगाएंगे, सेट करेंगे कि अच्छा क्या क्या बोला है, अच्छा वो बोला है कि पापा के ससुराल, ऐसे दिमाग जिसमें लगाएंगे ना, दिमाग को ज़्यादा सेट करेंगे, ठीक है, तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। वो हम लोग रिलेशन में समझेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि रिलेशन क्या है, तो हमेशा दो सेट, यानी कि दो सेट में रिलेशन जोड़ जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर जिस तरीके का रिलेशन जोड़ दे रहे हैं उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ समझिएगा, एक सेट बना रहे हैं जिसमें है ए बी सी डी, इसको सेट ए मानते हैं, ठीक। एक सेट ये बना रहे हैं जिसमें भर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक। हम बोले कि इस ए का रिश्ता इस वन से कर दो, इस बी का रिश्ता इससे कर दो, इसका रिश्ता इससे कर दो, इसका रिश्ता ऐसे रिश्ता कर दिए कि नहीं। ए वन के साथ भी कनेक्टेड है और ए को हम दो के साथ भी कनेक्ट कर दे, सी को कहीं से कहीं कनेक्टेड कर दो। आप बताइए ए का कनेक्शन किसके साथ है, इस सेट बी के साथ है कि नहीं। तो एक का मतलब सेट ए का कनेक्शन अगर बी के साथ है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रिलेशन में, ये दोनों सेट आपस में क्या है, रिलेशन में है। लेकिन कितना आप बताइए, एक किसके किस, एक बार एक किसके साथ है, वन के साथ है। एक बार एक किसके साथ है, वन के साथ। एक बार एक किसके साथ है, ए है दो के साथ, ठीक। एक बार बी किसके साथ है, दो के साथ, बी है दो के साथ, समझिएगा। फिर यहां पे भी सी किसके साथ है, सी एक बार दो के साथ है, ठीक। अब बताइए डी, यहां पे सी एक बार तीन के साथ भी है, सी एक बार तीन के साथ, रिलेशन तो दोनों से जुड़ा है ना। डी भी तीन के साथ है और डी चार के साथ भी है। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर लिखा है तो इसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक। अगर इसको हम ऐसे लिख दिए कि कौन किसके साथ रिश्ता है तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म आपको बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें वो नहीं लिखा जाएगा अभी। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, आप ये क्या सेट ए था, इसका रिश्ता इसके साथ जोड़ दिए, इसका रिश्ता इसका। अब ये जरूरी नहीं कि किस टाइप का रिश्ता, हो सकता है कि ये कोई व्यक्ति हो, इसका एक वन भी दोस्त हो और टू भी दोस्त हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसे रिलेशन आप जोड़ दे रहे तो यही एक प्रकार का रिलेशन हो गया, समझिएगा। सेट ए ये रिश्ता जोड़ने का काम करता है और जिससे जुड़ता है उसे सेट बी कहते हैं, समझिएगा। आप कभी एक और एग्जांपल समझे, प्रोजेक्टर देखें, बहुत पहले लोग क्या करते थे, मूवी देखते थे, यानी इधर से ऐसे प्रोजेक्टर एक मशीन हुआ करता था, ठीक है, इधर से फोकस ऐसे मारता था तो एक पर्दा पर ऐसे चलता था, ऐसा होता है ना। तो उसमें होता क्या है कि टोटल पिक्चर इसमें लगा रहता था, इसको बड़ा करके यहां फोटो दिखाता था, इमेजेस दिखाता था, ठीक है। तो इस वाले को जिस पर दिखाया जाता है इसको एक और नाम से जानते हैं, इमेज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इमेज बोलते हैं। आ इमेज के पहले छोटा छोटा यहां पे इसमें अंदर चलता रहता है, ऐसे चलता है ना। तो इमेज के पहले को प्री इमेज कहते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्री इमेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया आपका इमेज। आप अगर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च कुछ दूरी पर जाता है तो आप बताइए कि इसका फोकस अगर आगे जा रहा है तो आगे तस्वीर दिख जाता है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है, यहाँ से ना हुआ है शुरू, ठीक है। तो ये इमेज के पहले वाले दृश्य को इसे प्री इमेज कहते हैं और आगे वाले को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, याद रखिएगा। एक और चीज, इस वाले सेट ए को जो पहले से है, आप बताइए पहले तो ये था ना, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रांत, याद रखिए, इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। और इससे जो यहाँ रिलेशन बनता है, इससे जो ये रिलेशन बना है, ठीक है, इसे हम लोग परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। एक और यहाँ पे वर्ड डाल दे रहे हैं, पांच, समझिएगा। सेट ए को जो प्री इमेज होता है उसे हम लोग प्रांत कहते हैं, याद रखिएगा बाबू, क्या कहते हैं। और सेट जो बी होता है, पूरा बी का सेट नहीं, जो रिलेशन, जो रिलेशन में है उसी का बात कर रहे हैं। यहां देखिए एक रिलेशन में है, दो है, तीन है, चार है, अभी हम पांच लिख रहे हैं, जो पांच किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, देखिए किसी के साथ नहीं है ना। तो जो रिलेशन में बी में रहेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिसर। लेकिन सह प्रांत क्या है, कोडोमेन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, पूरे सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए बाबू, इस सेट में, इस सेट में दो नाम आया है,
पूरा सेट अगर आ जाए तो उसे सहपरंत यानी को डोमेन कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ रिश्ता में आता है, रिलेशन में एक दूसरे के साथ जोड़ा हो, उसे हम लोग परिसर कहते हैं, यानी पांच परिसर में नहीं आता है। पूरा अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पांचों के पांचों किस में आ जाएगा, को डोमेन यानी कि सहपरंत। लेकिन परिसर किसको कहते हैं, जो सिर्फ रिश्ता में जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। और इससे पहले जो प्री इमेज का पूरा सेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन बोलते हैं, इसे प्री इमेज भी कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस ये लुक दिख रहा है ना, ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसे विजुअल किस रिश्ता किस में दिखाया गया, किस फॉर्म में दिखाया गया, तो लिख करके दिखाया गया, लेकिन लग रहा है ना फिगर बना के दिखाया गया, तो जो फिगर बना के दिखाया जाए उसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। किसके किसके साथ रिश्ता जोड़ा है अगर ये लिख के बता, अच्छा अगर ये हम मिटा दें तो इससे पता चल जाएगा कि कैसे रिश्ते बना। जैसे ए का रिश्ता एक के साथ है और एक का रिश्ता बी के साथ, मतलब दो के साथ भी है, तो ये ए दो बार जुड़ा है, एक बार एक के साथ और एक बार दो के साथ, तो यहां भी तो वही है ना, एक कितना बार जुड़ा है, दो बार, तो ये भी वही है, दोनों सेम चीज है, लेकिन कहने का तरीका और लिखने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए तरीका सिर्फ बदला है, रिश्ता नहीं बदला है, रिश्ता तो वही है, कहने का तरीका बदल गया है। अब हम आपको बोले ना, अब कुछ देर के लिए हम लोग ही कुछ देर के लिए एक एग्जांपल छोड़ा है, समझिएगा, हम जा करके अगर घर पे बोले थोड़ा देर के लिए, उठपटांग सा लगेगा अपनी मम्मी से कि एक काम करो, तुम अपने हस्बैंड को बोल दो कि ये काम नहीं करे, तो डायरेक्ट देखिए कितना घुमा के बोले, मम्मी को हस्बैंड को बोले, इसका मतलब कि सीधे सीधे बोलना कि पापा जी से बोल दीजिए, पिताजी से बोल दीजिए, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। वैसे ही ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात क्या है, एक ही है। ये दिख रहा है डायरेक्ट कि ए इसके साथ भी है, ए इसके साथ है, यहां भी तो दिख रहा है कि ए वन के साथ है और ए टू के साथ है, यहां दिख रहा है कि बी भी साथ है, दो के साथ है, यहां सी दो के साथ है और सी तीन के साथ है, तो यहां भी तो सी दो के साथ और सी तीन के साथ, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं और इसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अभी ये तीनों को डीपली हमको समझाना है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के जरिए ये आपको समझ में आया होगा। एक और चीज हमको समझना है, ए क्रॉस बी क्या होता है, समझते चलिएगा ए क्रॉस बी क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करें और फिर समझा रहे हैं ए क्रॉस बी क्या होता है। एक सेट यहां पे बना रहे हैं हम, 2, 3, 4, ठीक, इधर ए बी सेट लिखते हैं, ए बी सी, ठीक, इधर मोहनलाल सोहनलाल चंपकलाल, ठीक, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब समझिएगा हमको निकालना है ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस नंबर कार्टिसियन प्रोडक्ट, कार्टिसियन का मतलब होता है कार्तीय गुणन, ठीक है, ए कार्तीय गुणन बी यानी कि ए क्रॉस बी कहने के लिए बोल सकते हैं, निकालना हो इसका मतलब कि ए का रिश्ता बी के साथ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम कि ए का रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, बी में, रिलेशन में होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं कि रिलेशन होना चाहिए सच दैट, किसके साथ रिलेशन तो बनेगा, किसके साथ बनेगा, ए का रिलेशन बी के साथ बनेगा, इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए हमको निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए सब के साथ रिलेशन रखेगा, सब के साथ रिलेशन रखेगा, ए क्रॉस बी कैसे, ए एक बार रहेगा आपका एम के साथ, फिर उसके बाद से बी रहेगा किसके साथ, सोहन लाल के साथ, और सी रहेगा, एक मिनट, ए रहेगा मोहन लाल के साथ, ए रहेगा सोहन लाल के भी साथ, और ए ही रहेगा चंपक लाल के भी साथ, फिर उसके बाद से बी भी वैसे ही रिलेशन बनाएगा सबके साथ, बी किसके साथ, बी एक बार एम के साथ, फिर उसके बाद से बी एक बार एस के साथ, और फिर एक बार बी चंपक लाल के साथ, ठीक, वैसे ही ये भी रहेगा, चंपक लाल को कुछ च लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो सी और सी दो बार हो जा रहा है, च, ठीक है, फिर वैसे ही यहां पे C की बात करें तो C एक बार रहेगा M के साथ, फिर रहेगा C S के साथ, और फिर C च के साथ, यानी कि C रहेगा S के साथ, और फिर C रहेगा किसके साथ, C रहेगा च के साथ। आप बताइए ये रिश्ता देखिए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बाबू, A इसके साथ भी है, A का रिश्ता इसके साथ भी है, A का रिश्ता इसके साथ भी है, B भी तीनों से जुड़ा हुआ है, C भी तीनों से जुड़ा हुआ है, ये आपको, तो इसी को कहते हैं कि A का पूरा कनेक्शन बी के पूरे एक एक एलिमेंट्स के साथ है, यानी कि ए का पूरा इमेज यानी प्री इमेज किसके साथ बना है, बी के ऑल एलिमेंट्स के साथ बना है, फिर बी का पूरा इमेज यानी प्री इमेज ये है और इमेज ये है, ये है प्री इमेज और ये है इमेज,
ठीक है, ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टर के बाद वाला हिस्सा है और प्रोजेक्टर के पहले वाला हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए सी का भी पूरा का पूरा रिलेशन पूरा सेट बी के साथ बना है। अब यहां इसी को बोलते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, याद रखिएगा। तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होता है? तो नहीं बाबू, ए क्रॉस बी का मतलब ए का रिश्ता सबके साथ है, लेकिन बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, बी तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, बी इसके साथ भी रहेगा, बी इसके साथ, अगर इसको हम ऐसे मिटा दें, समझिएगा, ऐसे हम बोले कि बी क्रॉस ए, तो बी के साथ रिलेशन इसका रखिए, फिर बी के साथ रिलेशन इसका रखिए, फिर बी के साथ, तो अब देखिए अब इधर से रिश्ता बन रहा है ना, तो अब ये हो जाएगा इमेजेस, ठीक है, यानी कि ये अब हो जाएगा इधर वाला, क्या हो गया, यहां देखिए अब इधर वाले को हम लोग प्रांत या डोमेन बोल सकते हैं, और इधर वाले को हम लोग क्या, परिसर बोल सकते हैं, जिससे रिलेशन बना है। ठीक, अब उल्टा हो गया है ना, बी क्रॉस ए, तो अब लिखेंगे एम का रिलेशन ए से, एम का रिलेशन ए से, देखिए यहां पे ए और एम, यहां एम और ए, वैसे ही यहां पे एम का रिलेशन बी से, एम का रिलेशन बी से, वैसे यहाँ पे M का रिलेशन C से, M का रिलेशन C से, वैसे ही ये भी सबके साथ जुड़ेगा। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B, ये बेसिक है, और B क्रॉस A क्रॉस B बराबर नहीं है B क्रॉस A के, ये याद रखिएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नंबर दे देगा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 है, और कहेगा ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, लगा हो शानदार तो शेयर भी कर दो मेरे यार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।